सवाई माधोपुर जिले के जुवाड़ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव अर्धनग्न हालत में खेत में पड़ा मिला हुआ था। रिपीट, खेत में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर FSL की टीम को मौके पर ही बुलवाया, जहां FSL की टीम ने घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। चारपाई की सहायता से खेत में पड़े शव को उठाकर सड़क तक लाया गया। ग्रामीणों ने महिला के साथ दुष्कर्म के पश्चात हत्या का संगीन आरोप लगाया है। जाति से कंगार है। हाँ। और ये शाम को जागरण का, मम्मी से जागरण का नाम लेके निकली है, तो ये जागरण का लेकर रात भर मम्मी ऐसे ही जाती है सर। भाई जागरण में सत्संग में सबके जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर रात को पता करते नहीं है घर के, भाई ये ऐसे ही जाती हैं जो जागरण में चल जाती हैं। ये तो फिर मम्मी ढूंढा होगा इसको। ढूंढा नहीं है सर, तो बकरियां लेके चल गए, भाई उधर से आएगी कालडाई का नाम लेके निकली है। ठीक है, तो भाई जागरण में कालडाई को उधर से आ जाएगी, बकरियां चरा लेगी, मैं घर पे आ जाऊंगी। तो वो आई नहीं है। फिर ये तो कोई इधर सरसों खेत वाली आएंगी, आए होंगी, जब पता चला उन्होंने। अच्छा, क्या इसकी बॉडी पर चोट के निशान निशान भी हैं क्या इसकी? नहीं, बॉडी पे चोट के मैंने नहीं देखे। अच्छा, मैंने नहीं देखे। नाम क्या है इसका? मनबर। मनबर है नाम। मनबर नाम है। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र दानोदिया भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने डूंगर थाना अधिकारी को गंभीरता पूर्वक मामले में छानबीन करने के कड़े निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार मृतक महिला कल शाम रात्रि जागरण का नाम लेकर अपने घर से निकली थी। सूचना थाने पे मिली थी, रवाना डूंगर थाने पे जी, कि औरतें कोई गई होगी सरसों खेतों में, तो उनको मिली कि एक औरत की लाश पड़ी है जी, जिस पर SHO और सब मौके पर पहुंचे। मनबर पुत्री हीरालाल 40-45 साल की जुवाड़ के रहने वाली है, जिसकी डेड बॉडी थी, उसकी माता पिता की पहचान हो गई उसकी। तो वो शाम को 7 बजे किसी भजन संध्या में जाने कह के घर से निकली थी जी, तो वहाँ पता कर लिया भजन कोई संध्या थी नहीं। उसके मौके के आसपास दो शराब के देसी के पौवे मिले हैं। SP साहब भी मौके पे आ गए, पूरे हम लगे हुए 5 टीमें बढ़ा दी, बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के कार। सर प्रथम दृष्टया क्या कुछ लग रहा है? सर प्रथम दृष्टया अभी पोस्टमार्टम पहले कुछ कह नहीं सकते, फिर भी हम इसको हत्या के एंगल से देखते हुए पुलिस का। टाइम 8 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना है आपके कमेंट्स का।